हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह से टिकटॉक पे कुछ इस तरह की वीडियो बनाए जा रहा है जिसमें व्यूज एंड लाइक की बात किया जाए तो काफी तेजी से बढ़ रहा है। यदि आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, दो वीडियो शूट करना है कुछ इस तरह से। दोनों वीडियो आपको जब भी शूट करेंगे तो अलग अलग पार्ट में शूट करना है। वीडियो जब आप शूट कर लेंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काइनवास्ट एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूं। सिंपल आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे है, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो आपको यहाँ पे देखना है वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देते हैं। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है। हमने वीडियो कुछ इस हिसाब से शूट किया है तो मैंने आपको एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। जैसा कि वीडियो आप देख सकते हैं, सिंपल मैंने कुछ इस तरह से वीडियो शूट किया हूँ। 5 से 7 सेकंड तक कुछ इस तरह से एडिटिंग आपको कर लेना है। इसके बाद अचानक से आपको डरने का एडिटिंग करना है तो कुछ इस तरह से आपको सेम वीडियो शूट कर लेना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है। आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो आपको 10 से 12 सेकेंड तक हो चुका है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर डरने का एडिटिंग करते हैं कुछ इस तरह से, इससे आपको यहीं पे आना, इस पोजीशन में आना है। आपको वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इसके बाद इस बीच में आपको आना है। इसके बाद मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ। सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा, लगेगा कि आप सपना देख रहे हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद इस वीडियो में अगर एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट का भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 से 2 सेकेंड तक एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है, मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दिया। अब आपका एक वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। फाइनल आप देख सकते हैं, फाइनली वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो इसमें करना कि आपके ओरिजिनल वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो मैं सबसे पहले साउंड को म्यूट करता हूँ। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं, लेयर पर। इसके बाद ऑडियो पर आएंगे, इसमें बैकग्राउंड में मैं आपको म्यूजिक ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल म्यूजिक पर क्लिक करेंगे और प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद इस म्यूजिक का साउंड को थोड़ा हल्का स्लो कर देता हूँ। इसके बाद इस म्यूजिक पर क्लिक करेंगे और इस म्यूजिक को हम बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। तो मैं ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आना है और यहाँ पर आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। यहाँ पर भी लास्ट में आते हैं और इस यहाँ पर भी हम स्पीड टू प्ले हिट कर देते हैं। देख सकते हैं ऑडियो भी हमारे 3 डिपार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद सेंटर वाले को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड ऐड है। हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ। सिंपल आपको उसी वीडियो के साउंड पर इस वीडियो को अपलोड कर देना है। यदि इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आ सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड